साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है हमारी ग्लूकोज की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए आपको ग्लूकोज की संरचना आनी चाहिए। तो यदि आप लोगों को ग्लूकोज की संरचना बनानी नहीं आती तो आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्लूकोज की संरचना बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम ग्लूकोज की मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो चलिए फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसमें कहा गया है ग्लूकोज की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI मींस हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करानी है। या फिर इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला होती है। यानी जो ग्लूकोज होता है ना, इसके सूत्र में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज का सबसे पहले संरचना सूत्र बना लेते हैं। तो ग्लूकोज जो हमारा होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज की संरचना सूत्र यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, एक क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, और इसके साथ ही यहाँ पर CHOH, ये हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो CHOH जो हमारा होगा, ये हमारे 4 हो जाएंगे, और इसके साथ में लास्ट वाले में हो जाता है CH2OH। तो ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है, CHO और साथ में CHOH होल 4 और इसके साथ में CH2OH। तो ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसे कुछ हम इस प्रकार से लिख लेंगे, किस प्रकार से, CHO इसके साथ में जो हमारा CHOH का होल 4 है, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो मिल जाएगा CHOH और इसके साथ में CHOH और इसके साथ में फिर से CHOH हो जाएगा, और एक बार और होगा क्योंकि ये 4 टाइम है। तो इस प्रकार से CHOH लिख देते हैं और लास्ट में हमारा है CH2OH। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का प्रयोग हम करेंगे HI से जब अभिक्रिया कराएंगे, तो ग्लूकोज को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया को अब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज को लिख लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे CHO, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CHOH, क्योंकि ये 4 टाइम लिखना पड़ेगा हमें। कितने टाइम होगा CHOH? ग्लूकोज के संरचना सूत्र में ये 4 टाइम होगा, और सबसे आखिरी में लास्ट में यहाँ पर लिखा जाएगा CH2OH। तो इस प्रकार से हमें दिखता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन की श्रृंखला होती है, 6 कार्बन की श्रृंखला ग्लूकोज में इस प्रकार से हो जाती है। अब इसकी अभिक्रिया हमें करानी है HI से, मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करानी है, और उपस्थिति किसकी है, तो यहाँ पर उपस्थिति है लाल फास्फोरस की। तो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी। टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन है ना, जितने भी ऑक्सीजन है ये अलग हो जाएंगे। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 6 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अलग होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि O2 अलग होगा, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग O2 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, मतलब अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? 3O2, 3 × 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो रहे हैं। तो अब हमारा बनेगा क्या, वो हम लोग देखते हैं। CH, यहाँ पर ऑक्सीजन जा चुका है, तो केवल क्या बचा है? CH बचा है, यहाँ पर बचा है CH। इसके साथ में यहाँ पर देखते हैं क्या बचा है, तो यहाँ पर हमारा बचा है CH2 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है? CH2। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इसको बैलेंस करने बैठेंगे, तो यहाँ पर यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला H, और एक यहाँ का हाइड्रोजन, ये वाला H, तो HH मिलके H2 हो जाएंगे, मीन्स H2 हो जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन हमारे चले जाएंगे फर्स्ट वाले के पास में, तो हो जाएगा CH, वहाँ पहले से था, दो हाइड्रोजन और पहुँच गए, तो हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा।
और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला कार्बन सी एच है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो जा ही चुका है क्योंकि सभी ऑक्सीजन जा चुके हैं, और यहाँ का हाइड्रोजन भी हमने ऊपर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये बंद खाली हो जाएगा तो ये जो आयोडीन बचा हुआ है ना वो जाकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा सी एच आई। क्या बनेगा? सी एच आई बनेगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी एच टू, क्योंकि ऑक्सीजन गया है यहाँ से केवल, तो सी एच टू रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू। इसी प्रकार से यहां पर नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा? सी एच टू हो जाएगा, और इसके नीचे भी यहां पर क्या हो जाएगा? सी एच टू हो जाएगा, और लास्ट वाला हमारा क्या बचेगा? सी एच थ्री बचेगा, क्योंकि ये एच टू है और एक एच ये है, तो हो जाएगा सी एच थ्री। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब ग्लूकोज की फर्स्ट बार यानी एक बार हम एच आई से क्रिया कराएंगे तो यहां पर ऊपर और नीचे सी एच थ्री रहेगा, बाकी यहां सी एच टू सी एच टू सी एच टू रहेगा, और सेकेंड नंबर पर हमारा आयोडीन जुड़ जाएगा जाके। इसके बाद इसकी पुनः हम एच आई से अभिक्रिया कराते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि एक ही बार में ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, तो फिर से इसकी एच आई के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, और फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उपस्थिति किसकी है? रेड फास्फोरस की, मीन्स लाल फास्फोरस की उपस्थिति है। तो जब इसकी एच आई से अभिक्रिया कराते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर अब भी रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री टेम्परेचर। तो होता क्या है, यहाँ से आई टू अलग होगा। क्या अलग होगा? आई टू। यहाँ का एक आई और एक यहाँ का आई, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आई टू, तो आई टू यहाँ से अलग हो जाएगा। तो आई टू अलग हो जाएगा तो होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन ना, क्योंकि यहाँ से आई चला जाएगा तो बंद खाली हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन जाकर के यहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा सी एच थ्री, और इसके बाद यहाँ पर C और यहाँ पर एक H पहले से था, और यहाँ पर I गया है, तो ये वाला H यहीं जाके जुड़ेगा जाके, तो क्या हो जाएगा? सी एच टू हो जाएगा। मीन्स एक H यहाँ पहले से है और एक H ये वाला जाकर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? सी एच टू हो जाएगा। इसके बाद ये वाला सी एच टू यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद इसी प्रकार से हम नीचे सेम टू सेम उतार देते हैं, तो इस प्रकार से हमें संरचना सूत्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एच आई और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराने पर ग्लूकोज से हमें जो प्राप्त हुआ है ना, ये है नॉर्मल हेक्सेन। ये क्या है, इसका नाम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये हमारा प्राप्त हुआ है नॉर्मल हेक्सेन। ये क्या प्राप्त हुआ है? नॉर्मल हेक्सेन हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल हेक्सेन में यहाँ 6 कार्बन की एक श्रृंखला हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारी पहली रासायनिक अभिक्रिया है ग्लूकोज में 6 कार्बन की श्रृंखला को सिद्ध करना, वो कंप्लीट हो जाता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया हम एच आई के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो ग्लूकोज होता है इसमें 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला प्राप्त की जाती है। इसके बाद सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया ग्लूकोज की है, वो ये है कि ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराई जाए। किससे? जो ग्लूकोज है इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा? या फिर इसी रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं। तो जब हमें सिद्ध करना हो कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं तो हम लोग ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे CHO और इसके साथ में CHOH होल 4, ये 4 टाइम होगा, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को पहले हम रफ में समझ लेते हैं ताकि ये रासायनिक अभिक्रिया हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज का संरचना सूत्र है जिसे हमने खोल करके स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO इसके साथ में लगा होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, मीन्स इसका सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस और O। तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए यहाँ से टूटता है, तो इस प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड टूटता है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि CH3COO रहेगा और इसके साथ में कुछ ना कुछ जुड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड में। तो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है ना, इसका यहाँ का H जो होता है हाइड्रोजन, ये इसमें जाकर जुड़ेगा तो बनेगा CH3COO और इसके साथ में H आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3
सी डबल ओ एच मीन्स ये एसिटिक अम्ल बनाएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरा जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड होगा वो भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा। मीन्स ग्लूकोज की अभिक्रिया एक एसिटिक एनहाइड्राइड से नहीं कराते हैं, हम पांच एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। तो सेकंड वाला भी एच यहाँ से निकल जाएगा, सी एच थ्री सी डबल ओ एच बनाएगा। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पर हम लोग एक एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, जो क्या करेगा, जो भी यहाँ से एसिटिक अम्ल बनाएगा सी एच थ्री सी डबल ओ एच बनाएगा। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पर हम लोग एक एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, जो भी यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है उसके लिए भी यहां पर हम एक एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से पांच एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं। अब यहाँ पर बनेगा क्या हमारा, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल तो अलग हो जाना है हाइड्रोजन लेकर, इसके पश्चात जो बचा हुआ है वो हमारा देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर है सी एच ओ और इसमें लगा हुआ कार्बन पर है सी एच ओ, उस पर क्या है सी एच ओ, यहाँ पर बंद खाली हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन गया है। तो इस वाले एसिटिक एनहाइड्राइड का जो बचा हुआ होगा वो इसकी जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ आया है, यहाँ पर क्या आया है सी एच थ्री सी ओ, तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे सी ओ सी एच थ्री। इसके बाद जो अगला कार्बन हमारा है वो क्या है सी एच, तो अगले कार्बन सी एच पर भी आगे ऑक्सीजन लगा हुआ है, मीन्स सी एच ओ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गया है, तो ये हाइड्रोजन कौन एसिटिक एनहाइड्राइड ले गया है, ये सेकंड नंबर वाला, तो सेकंड नंबर में भी तो ये हमारा बचा हुआ है, तो इसको यहाँ जोड़ देंगे सी ओ सी एच थ्री। इसी प्रकार फोर्थ वाले कार्बन पर यहाँ पर भी सी एच ओ बचा हुआ है, तो उसे हम इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड का जुड़ेगा सी ओ सी एच थ्री। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर कार्बन है यहाँ पर भी हमारा सी एच ओ बना है और इस पर क्या जुड़ेगा सी ओ सी एच थ्री जाकर जुड़ेगा। और लास्ट वाले कार्बन पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्बन और सी एच टू है, यहाँ पर क्या है सी एच टू ओ बचा हुआ है और इसमें भी हमारा जुड़ने के लिए क्या तैयार है सी एच थ्री सी ओ, यानी कि सी ओ सी एच थ्री। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोज, ये हमारा है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्या प्राप्त होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया हम पांच एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल कितने निकलेंगे, एसिटिक अम्ल हमारे पास पांच निकलेंगे, तो पांच एसिटिक अम्ल प्राप्त होंगे और उसके साथ में ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर ये यह हमारा ग्लूकोज है, इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड मीन्स सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री सी ओ और इसके साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड के हम लोग पांच मोल लेते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर पांच एसिटिक अम्ल अलग हो जाते हैं, कितने एसिटिक अम्ल, पांच एसिटिक अम्ल हमारे पास यहाँ अलग हो जाते हैं। इसके साथ में जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे सी एच ओ और उसके बाद यहाँ पर सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री, ये हमारे कितने टाइम बने थे, तो सी एच ओ और सी ओ सी एच थ्री था, ये हमारा देखिए यहाँ पर भी सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री, यहाँ पर भी सी एच ओ सी ओ सी एस थ्री, यहाँ पर भी सी एच ओ सी ओ सी एस थ्री और यहाँ पर भी सी एच ओ सी ओ सी एस थ्री, कुल मिला के ये फोर टाइम है, तो इसको हम लोग फोर टाइम कर सकते हैं। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर सी एच ओ सी ओ सी एस थ्री जो है ये कितने टाइम आया है, फोर टाइम आया है, और इसके बाद लास्ट वाला हम लोग लिखते हैं सी एच टू ओ सी ओ सी एच थ्री। तो इस प्रकार से ये जो हमें प्राप्त होगा इसका नाम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसका नाम क्या है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि जो ग्लूकोज होता है इसमें पांच ओएच समूह होते हैं, क्योंकि यहाँ एल्कोहल था और एल्कोहल से हमें क्या मिल गया है, एल्कोहल से हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया है, मीन्स यहाँ पर सिद्ध हो गया कि जो ग्लूकोज होता है इसमें पांच ओएच समूह पाए जाते हैं। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, तो आपको याद करना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराई जाएगी। नेक्स्ट थर्ड रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, पहलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में सी एच ओ समूह मीन्स एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है,
तो इस प्रश्न को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कहेगा कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जब फेहलिंग विलयन या टालन अभिकर्मक से कराया जाता है तो क्या होता है, या फिर कहेगा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज जो होता है इसमें CHO समूह पाया जाता है। या फिर इसी प्रश्न को पूछ सकता है इस प्रकार से कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। तो फेहलिंग विलयन टालन अभिकर्मक से जब अभिक्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है ग्लूकोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल हमें प्राप्त होता है? ग्लूकोनिक अम्ल। तो आपको ये भी याद रखना है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारी दो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, पहली है फेहलिंग विलयन से, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिखेंगे फेहलिंग विलयन से। फर्स्ट हमारी कौन सी हो जाएगी? फेहलिंग विलयन से। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया। फेहलिंग विलयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारा कॉपर का ऑक्साइड होता है, मीन्स CuO होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेहलिंग विलयन। तो जब हमारी अभिक्रिया फेहलिंग विलयन से करानी होगी, मीन्स CuO से करानी होगी, तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम ग्लूकोज को लिख देंगे CHO, और यहाँ पर CHOH होल 4, और इसके साथ में लास्ट में हो जाएगा CH2OH। तो ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। तो यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज लिख देते हैं, इसकी अभिक्रिया कराएंगे CuO से, कॉपर ऑक्साइड से। तो जब भी फेहलिंग विलयन अभिक्रिया करता है ना, फेहलिंग विलयन, तो ये उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? उत्पाद के रूप में अवक्षेप बनाता है, मीन्स CU2O बनाएगा। ये क्या बनाएगा? लाल रंग का अवक्षेप बनाता है, तो अवक्षेप के रूप में हमें CU2O प्राप्त हो जाएगा। तो ये अवक्षेप बनाता है, तो इसका मतलब अगर CU2O बनना है तो इसे हमें 2 मोल लेना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर CuO जो है इसके 2 मोल लिए जाएंगे। तो होता क्या है कि यहाँ से जो कॉपर है 2, ये अलग होगा तो CU2 मिल जाएगा, और यहीं का एक ऑक्सीजन भी अलग होगा। तो यहाँ हम अभिक्रिया करा किस तरह है? वास्तव में केवल और केवल इसका ऑक्सीजन यूज करेंगे, तो इसका ऑक्सीजन जो होगा वो डायरेक्ट जाकर यहाँ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ बनेगा COO, एक ओ यहाँ का ऑक्सीजन और एक वाला यहाँ का ऑक्सीजन, तो हो जाएगा COOH। मीन्स जो यहाँ CHO है ना, एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। जब भी हम एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है। तो वही रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ पर, तो इसे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा सी, और इसे इस प्रकार से लिखेंगे COOH। यहाँ पर CHO पहले से था, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से गया है, और इसके बाद नीचे वाला हमारा सेम टू सेम रहेगा, उसे हम सेम टू सेम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल है। मीन्स ग्लूकोज के ऊपर जो फर्स्ट वाला कार्बन है, अगर उसमें हम कार्बोक्सिलिक समूह लगा दें उस जगह पर, तो बन जाता है सूत्र ग्लूकोनिक अम्ल का। इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाली रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, बी नंबर पे, जो हमारा कहा गया था किससे? टॉलिन अभिकर्मक से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टॉलिन अभिकर्मक से। किससे अभिक्रिया कराएंगे अब की बार हम लोग? टॉलिन अभिकर्मक से। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है? तो जो हमारा Ag2O होता है इसे हम बोलते हैं टॉलिन अभिकर्मक। मीन्स कहा जाएगा टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराइए, तो हम लोग Ag2O से अभिक्रिया कराते हैं। तो जब भी टॉलिन अभिकर्मक अभिक्रिया करता है, ये रजत दर्पण बनाता है उत्पाद के रूप में, मीन्स Ag बनाता है, रजत दर्पण इसे हम लोग बोलते हैं। क्या बनाएगा? रजत दर्पण बनाता है। तो चलिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CHO, और इसके साथ में CHOH का होल 4, और लास्ट में CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज की अभिक्रिया अब हम कराएंगे किसके साथ में? टॉलिन अभिकर्मक Ag2O में। तो चाहे हमारा टॉलिन अभिकर्मक हो और चाहे हमारा फेहलिंग विलयन हो, ये दोनों ऑक्सीकरण ही करते हैं, मीन्स एल्डिहाइड समूह को किस में चेंज करते हैं? कार्बोक्सिलिक में। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से 2 Ag अलग हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हमें क्या होगा? 2 Ag, क्योंकि यहाँ पर Ag कितने थे? 2 थे, तो 2 Ag अलग हो जाएगा रजत दर्पण के रूप में, और यहाँ का ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ पर अभिक्रिया करेगा जाकर। तो इस प्रकार से फर्स्ट कार्बन चेंज हो जाएगा COOH में,
और उसके साथ में नीचे वाला हमारा सेम टू सेम CHOH का होल 4 और इसके बाद में यहाँ पर CH2OH हमें प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारा सूत्र है ग्लूकोनिक अम्ल का। किसका है? ग्लूकोनिक अम्ल का ये हमारा सूत्र है। तो इस प्रकार से हम फेहलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक की मदद से ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में CHO समूह पाया जाता है। तो CHO समूह पाए जाने का मतलब है अगर उसका ऑक्सीकरण कराएं कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, इसका मतलब वो क्या था? एल्डिहाइड ही था। तो यहाँ पर यह भी सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं ग्लूकोज की, वो है ग्लूकोज की फेनिलहाइड्रेजीन से अभिक्रिया। ग्लूकोज की किसी अभिक्रिया करानी है? फेनिलहाइड्रेजीन से। या फिर इसी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक एक स्टेप हम इसका समझते जाएंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज की अभिक्रिया करानी है फेनिलहाइड्रेजीन की। फेनिलहाइड्रेजीन का सूत्र यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि फेनिलहाइड्रेजीन का सूत्र होता है C6H5NH और NH2। ये हमारा सूत्र होता है फेनिलहाइड्रेजीन का, C6H5NH NH2। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे CHO और इसके साथ में CHOH होल 4 होता है। यहाँ पर हम 3 को अलग लिखेंगे और 1 को अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसे हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर CH2OH लिखते हैं। तो ग्लूकोज को हम चाहे जिस प्रकार से लिखें रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, बशर्ते बात यह है कि जब हम ग्लूकोज को सही क्रम में खोलकर लिखते हैं तो हमें चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं कि कहाँ से क्या अलग हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ग्लूकोज को हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे C6H5NH NH2। ये हमारा सूत्र होता है फेनिलहाइड्रेजीन का। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिलहाइड्रेजीन के साथ कराई जाती है तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? जो हमारा फेनिलहाइड्रेजीन है इसका यहाँ का H2 यहाँ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और H2O बनाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि H2O माइनस का, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर हमें दिखेगा CH बचा होगा, यहाँ बंद खाली हो गया है। इसके साथ में यहाँ पर CHOH का होल थ्राइज रहेगा और इसके साथ में CHOH रहेगा और नीचे हमारा CH2OH हो जाएगा। यहाँ से H2 अलग हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन, तो H2O अलग हो गया। तो ये बचा हुआ जो हमारा है ये यहाँ जा करके बंद खाली हुआ है, यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा CH और इसके बाद यहाँ से जुड़ जाएगा NHN C6H5। तो यहाँ जुड़ जाएगा NHN C6H5। तो इस प्रकार से ये हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसका नाम है ग्लूकोज फेनिल। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजीन। तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमें ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया हम फिर से कराते हैं। इसकी अभिक्रिया हम फिर से कराएंगे C6H5NH NH2। मीन्स फेनिल हाइड्रेजीन की दोबारा इसकी अभिक्रिया कराएंगे। याद करिएगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। एक बार जब हम फेनिल हाइड्रेजीन से अभिक्रिया कराएंगे तो H2O अलग होगा, दोबारा फिर हम फेनिल हाइड्रेजीन से अभिक्रिया कराएंगे। तो होता क्या है? यहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो CHOH है, यहाँ के ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ के ये दोनों जो हाइड्रोजन होंगे ये यहाँ के NH से अभिक्रिया करेंगे। किससे? NH से। तो क्या बन जाएगा? NH3 हो जाएगा। तो यहाँ से अलग होने के लिए NH3 आएगा और हमारा C6H5NH2 ये हमारा अलग हो जाएगा। कुल मिला के जो हमारा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन है इसमें यहाँ पर केवल दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ये कार्बन डबल बंद के साथ इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो हमारी संरचना कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगी। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ NH N C6H5 और इसके साथ में यहाँ पर CHOH का होल थ्राइज, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है तीसरे नंबर का, इस कार्बन पर यहाँ पर डबल बंद के साथ ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों H यहाँ के NH से NH3 बनाकर अलग हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसके बाद यहाँ पर
CH2OH ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अलग क्या हुआ है, तो यहाँ पर NH3 अलग हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर और क्या बना है, C6H5NH2, तो वो भी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माइनस का C6H5NH2 वो भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संरचना हमें प्राप्त हुई है इसे हम बोलते हैं अस्थायी यौगिक। ये माध्यमिक यौगिक है बीच का और ये अस्थायी यौगिक है। तो ये क्या है, ये हमें प्राप्त हुआ है अस्थायी यौगिक। तो अब क्या होगा, इस अस्थायी यौगिक जो हमें प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया हम फिर से कराते हैं किसके साथ में, फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में। तो तीन बार फेनिल हाइड्रेजीन अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया मीन्स अस्थायी यौगिक की अभिक्रिया हम फिर से कराएंगे फेनिल हाइड्रेजीन C6H5NH2 के साथ में। तो फिर से फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ से H2 इस ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पर H2O अलग हो जाएगा और जो हमें संरचना प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी CHNHN C6H5 और इसके बाद यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस और इसके साथ में यहाँ पर कार्बन और इस कार्बन पर नीचे लगा हुआ CH2OH। यहाँ पर ध्यान रखना ये जो हमारा तीसरा कार्बन था यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो यहाँ बंद खाली हो जाएगा तो ये बचा हुआ जो हमारा सेम पार्ट है यहीं जाकर ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा यहाँ पर जुड़ेगा जाके NHN। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा NHN, यहाँ से NHN और उसके साथ में C6H5। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा और इसका नाम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। तो इस प्रकार से हमें ग्लूकोसाजोन प्राप्त हो जाता है। तो आपको इस रासायनिक अभिक्रिया को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले होगा कि आप ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजोन से कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग होगा यहाँ के H2O से अभिक्रिया करके, तो क्या अलग होगा, H2O अलग होगा। जो हमें प्राप्त होगा उसका नाम होगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन की अभिक्रिया हम फिर से कराते हैं किसके साथ में, फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में। तो दोबारा रासायनिक अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, NH3 मीन्स अमोनिया अलग होगा और C6H5NH2 अलग हो जाएगा। इसके बाद फिर से जो हमें प्राप्त होगा वो अस्थायी यौगिक होगा। उस अस्थायी यौगिक की हम फिर से कराएंगे फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। तो इसके बाद में होगा क्या, फिर से एक H2O अलग हो जाएगा और हमें ग्लूकोसाजोन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाने में हम फेनिल हाइड्रोजीन की कितने बार अभिक्रिया कराते हैं, तीन बार। तो फेनिल हाइड्रोजीन हम तीन बार लेते हैं। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ग्लूकोज को लेकर। तो आपको ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।